यहाँ पर तैयार हो चुकी है। हार्ले एक्सपोर 40 आप देख सकते हो, इसका लुक कैसा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिलहाल जो इसका फ्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा गदर है, क्योंकि इसमें लगा रही है हमने 7 LED फॉग लाइट, जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा हैवी मानी जाती है। अब 7 इस साइड 7 उस साइड, तो पूरी जो है 14 हो चुकी है। अब 14 लाइटों का जब फोकस पड़ता है सामने, तो भाई अलग लेवल का जाता है। फिलहाल ये देख सकते हो इसका लुक। इसके कवर्स में हैं, ये हटाओगे तो ये वाइट हो जाएगी, बाकी ये येलो है, ये येलो कवर्स होते हैं, ये फॉग में काम आते हैं। ये देखो ये कुछ इस तरीके से, इसको फोकस को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके। और हमने जो लगाई है ये माउंट के साथ लगाई है, ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए। बिना माउंट के अगर आप लगाते हो तो दिक्कत आपको ये आएगी कि उसमें वाइब्रेशन का इशू आएगा, फिर वो लूज़ हो जाएगी, आप बार बार टाइट करोगे। तो जब भी आपने लगवानी है तो माउंट के साथ लगवाओ, चाहे फॉग लाइट छोटी हो या बड़ी हो। तो ये आ गया इसके कुछ इस तरीके के माउंट। अगली चीज़ जो थी वो थी क्रैश गार्ड। अब क्रैश गार्ड क्या चीज़ है ये आप लोगों को पता ही होगा गाइस, ये कुछ इस तरीके का क्रैश गार्ड होते हैं। अभी बाइक गंदी हो रही है क्योंकि ये काफ़ी दूर से आई है और बरसातों का मौसम है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो क्रैश गार्ड हमने लगाया है ये प्रॉपर फिटिंग के साथ है। इसमें आपको 2 स्लाइडर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इस साइड से भी स्लाइडर मिल जाते हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये हो गया इसमें स्लाइडर 1 2, क्रैश गार्ड इसमें लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर लुक देख सकते हो इसका, और आपको दिखाता हूँ फॉग लाइट का फोकस आईडिया के लिए। यहाँ पर लगा रखा है स्विच, तो ये देखो गाइस फोकस इसका दिन में ही है ना, तगड़ा वाला फोकस। सामने भी देख सकते हो आप। तो ये हो गया फॉग लाइट का, और ये लगाइए हमने हायरनेस वायरिंग के साथ, जिसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई अल्ट्रेशन नहीं होती है, सारे काम जो रहते हैं जस्ट प्लग एंड प्ले होते हैं। और इसकी खुद की एक वायरिंग होती है, और भी काफ़ी सारे मोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें, आप देखो गाइस, जैसे कि फ्लैशिंग वगैरह भी करती है ये वाली फॉग लाइट। और भी इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब आप हाईवेज वगैरह पे चल रहे हो या आप राइडिंग पे गए हो, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आता है। इसको कर देते हैं ऑफ। इसके अलावा मोबाइल होल्डर इसमें लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो आप, सिमटेक का, जिसमें आपको 1 साल की गारंटी मिल जाती है, अनब्रेकेबल होता है वैसे तो ये। रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है रेडिएटर की सेफ्टी के लिए, कभी गलती से भी कुछ पार्टिकल लगता भी हो तो आपका रेडिएटर डैमेज ना हो। इसके अलावा सम्प गार्ड लगा हुआ है नीचे, जो कि इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग है इसकी भी गाइस। तो ऑल अबाउट जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा गदर आ रही है। बैक साइड में देखोगे तो बैकरेस्ट लगा हुआ है, जिसमें X440 का आपको जो है कुछ ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी ज़बरदस्त है ये, मैट टाइप है ये देखो। और जिसकी फिनिशिंग है वो भी आप देख सकते हो। तो ये हो गई ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन, जैसे कि आपने देखा। अभी इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज आप और ऐड कर सकते हो, जैसे इसकी हेडलाइट ग्रिल वगैरह हो गई, और इसके जो है आप लोगों में फॉग लैंप्स के जो और वेरिएंट वगैरह ट्राई करने तो कर सकते हो। इसमें PPF लैमिनेशन हो गई, साइड स्टैंड एक्सटेंडर हो गया। बाकी ये कैसी लगी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये तो हो गई आप लोगों की हार्ले X440 की मॉडिफिकेशन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।